नेक्स्ट है नीटी ग्रीटी. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन एथेंस एंशियंट ग्रीस इन 508 BC बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्टली कहाँ कब इंट्रोड्यूस किया गया था, एथेंस में, जिसे एंशियंट ग्रीस कॉल किया जाता है. कब किया गया था, 508 BC में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नेक्स्ट, मतलब जो डेमोक्रेसी का की फीचर है वो है जस्टिस एंड इक्वलिटी. डेमोक्रेसी के अंदर सभी को जस्टिस का, न्याय का अधिकार है, और सभी को इक्वलिटी मींस सभी को इक्वल राइट होते हैं, सभी को इक्वल राइट मिले हुए हैं. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इफ एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सभी पर्सन जो हैं लॉ के समक्ष, लॉ के सामने इक्वल हैं. किसी के साथ रिच और पुअर होने की वजह से, या सोशली बैकग्राउंड डिफरेंट होने की वजह से, या किसी डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने की वजह से उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. देयर आर सेम लॉज फॉर ऑल द पीपल. सभी लोगों के लिए सेम लॉ अप्लाई किए जाते हैं. एवरीबडी इंजॉयज इक्वल स्टेटस एंड गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मूव अहेड इन लाइफ. सभी पर्सन जो है इक्वली सभी के साथ ट्रीट किया जाता है, सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज का मतलब चांस दिए जाते हैं, मौके दिए जाते हैं उन्हें, ताकि सभी पर्सन अपना स्टेटस इक्वल, मतलब अपने स्टेटस को अगर मान लीजिए वो किसी वजह से पीछे रह गए तो उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उनके साथ इक्वल स्टेटस में लाने के लिए उन्हें कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी भी दी जाती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. दस द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिमूव्स ऑल द प्रैक्टिसेस दैट गो अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी. इस तरह से डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्री, स्टेट के अंदर से या कंट्री के अंदर से उन सभी प्रैक्टिसेस को रिमूव कर देती है, उन सभी कार्यों को, उन सभी चीजों को रिमूव कर देती है जो किसके अगेंस्ट होते हैं, ह्यूमन डिग्निटी के. ह्यूमन डिग्निटी मतलब ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब डिग्निटी का मतलब हो जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट या ऑनर, या उसके सम्मान की बात अगर हम करें. ठीक है, जो ऐसी किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को रोक दिया जाता है जो किसी भी ह्यूमन के ऑनर, उसके सम्मान के लिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट पहुंचाती हो, उसके लिए खतरा उत्पन्न करती हो, तो ऐसी सभी प्रैक्टिसेस को रोक दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है. ओके, सम पीपल आर डिनाइड मैनी अपॉर्चुनिटीज. अब देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि पहले क्या था हमारी सोसाइटी में, लोअर और हायर, हायर जो मतलब जो हाई का हायर कास्ट के होते थे या लोअर कास्ट के होते थे, उनके बीच में जात पात को लेकर कितनी ज्यादा आर्ग्यूमेंट या नेगेटिव फीलिंग होती थी हायर कास्ट के लोगों के मन में, इन लोअर कास्ट के लोगों के लिए. लेकिन अब ये जो लोअर कास्ट के जो ह्यूमन होते थे, ये उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट था, मतलब उनके सम्मान के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट पहुंचाती थी ये चीजें. ठीक है, कि उनको छूने की कोई मनाए, मतलब उनके किसी जहां पर ये हायर क्लास के, हायर कास्ट के लोग अगर वहां रहते हैं तो उनके प्लेस पर जाना, उनकी चीजों को छूना, तो ये सब मना था पहले. तो ये सभी इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था इन अपर कास्ट के लोगों के द्वारा लोअर कास्ट के लोगों का, तो वो सभी इन ह्यूमन डिग्निटी को इफेक्ट करता था, मतलब लोगों की डिग्निटी को, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता था. तो इसीलिए इन सभी प्रैक्टिसेस को, ये जो जात पात का, ऊंच नीच का बन एक प्रैक्टिस थी सोसाइटी में, सोशल इवेल थी, जो सामाजिक बुराई फैली हुई थी, इसको रिमूव कर दिया गया. ओके, तो इस तरह से रिमूव कर दिया जाता है कोई भी अगर इविल फैली हुई हो सोसाइटी में जो ह्यूमन की डिग्निटी को हार्म पहुंचाती हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म पहुंचाती हो. ओके, सम पीपल आर डिनाइड मैनी अपॉर्चुनिटी ड्यू टू इनइक्वलिटीज. कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है इन इक्वलिटीज की वजह से नहीं मिल पाती. इन इक्वलिटीज मतलब असमानता की वजह से. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलाउ स्पेशल बेनिफिट टू बी एक्सटेंडेड टू सच पीपल. ऐसे लोगों के लिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है
कुछ स्पेशल बेनिफिट्स उन्हें देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस आर गिवन दीज बेनिफिट्स बाय रिजर्विंग सम सीट्स फॉर देम इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मतलब शेड्यूल कास्ट जो नीची जाति के थे, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, या शेड्यूल ट्राइब्स मतलब जो ऐसे प्लेस पर रहती थी जिन्हें हम आदिवासी भी कॉल करते हैं, ठीक है, जो जिन मतलब वो ऐसे एरिया में बिलोंग करते थे जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं थी, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस या कोई पिछड़े हुए ऐसी पिछड़ी क्लास ग्रुप जिसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई अपना डेवलपमेंट करने की। तो ऐसी सिचुएशन में इन ग्रुप्स के लिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफिसेज मतलब गवर्नमेंट जॉब में, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं, यहाँ पर इनके लिए कुछ रिजर्विंग पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है, मतलब कुछ आरक्षण उन्हें दिया हुआ है, ठीक है। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कैसे, जैसे एकेडमिक लेवल में लगा लीजिए, जनरल कास्ट के लिए 90 मार्क्स की नीड होती है या 60 की नीड होती है, तो उसे के कंपैरिजन में जो ये अनदर ये वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास है, इनसे बिलोंग करने वाले पर्सन के लिए, कैंडिडेट के लिए 60 या 40 की नीड पड़ती है। मान लीजिए औरों के लिए 90 तो उनके लिए 60 है, तो इसका मतलब इन्हें इतने मार्क्स की, 30 मार्क्स की छूट दी जा रही है। ये इनका रिजर्वेशन है, मतलब इनको कुछ आरक्षण दिया जा रहा है। अब ये इनको इसलिए दिया जाता है ताकि ये भी और लोगों के इक्वल ही अपना स्टेटस बना पाए, उनके साथ अपना डेवलपमेंट कर सकें, ओके। या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब होती हैं, इनमें भी इनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है। स्पेशल बेनिफिट्स आर ऑल्सो गिवन टू वुमेन एज दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। वुमेन जो है उन्हें भी स्पेशल बेनिफिट्स दिया जाता है क्योंकि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा सोसाइटी में, क्योंकि उनके साथ मेल फीमेल की वजह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, इसीलिए इन वुमेन्स के लिए भी कुछ स्पेशल बेनिफिट्स या रिजर्वेशन रखा गया है। इक्विलिटी कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय अ पावरफुल लीगल सिस्टम। इक्विलिटी तभी लाई जा सकती है जब जो हमारा सिस्टम है, उस लीगल सिस्टम है हमारा, जो कानूनी सिस्टम है हमारा, कानून का जो सिस्टम है उसे पावरफुल बनाया जाए। जस्टिस इज फेयर एंड इफेक्टिव ओनली इफ इट इज एबल टू रीच द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जस्टिस तभी सही तरीके से हम कह सकते हैं और इफेक्ट में आ सकता है जब ये सभी बेनिफिट वीकर सेक्शन मतलब सोसाइटी के वो सेक्शन जो सबसे कमजोर हैं, जो सबसे नीचे हैं, मतलब जो सबसे पुअर हैं, या सबसे ऐसे वीकर सेक्शन जिन तक ये सभी फैसिलिटी नहीं पहुंच रही हैं, जिनको अपनी डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो इन सभी तक अगर ये चीजें पहुंचती हैं तभी हम कॉल कर सकते हैं कि इक्वलिटी और जस्टिस सही तरीके से इफेक्ट में आ रहे हैं। तो ये सभी थे हमारे डेमोक्रेसी के की फीचर्स, ओके। मोस्ट ऑफ जो हमारा चैप्टर है वो हमारा आज कंप्लीट ही हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपकी बुक एक्सरसाइज है उसे डिस्कस करेंगे, ओके बेटा।